हेलो एंड वेलकम यू टू विज्ञान रिचार्ज। ऑपरेशन क्रोमडोम कहानी है ऐसी सच्ची घटना की जिसमें अमेरिका ने अपने ही देश पर दो हाइड्रोजन बॉम्ब गिराकर खो दिए जो कि नागासाकी से भी 200 गुना ज्यादा ताकतवर थे, जिसमें से एक तो आज तक जमीन के नीचे है। अब ये बॉम्ब हवा में कर क्या रहे थे और ये नीचे कैसे गिर गए और जमीन खोद कर इन्हें निकाला क्यों नहीं गया, यही है ऑपरेशन क्रोमडोम। भैया बात है 1960 की, अमेरिका रशिया से पंगेबाजी कर रहा था, मतलब दोनों के बीच में तीर तलवार तो नहीं चल रहे थे पर देसी लड़ाई वाला सिस्टम पूरा चल रहा था। बोले तो पहले तू मार फिर मैं तुझे बताता हूँ, यानी हो रही थी कोल्ड वॉर। अब इसी दौरान अमेरिकी वायुसेना के दिमाग में एक ऊट पटांग ख्याल आता है कि क्यों ना हम अपने B-2 बॉम्बर हवाई जहाज में हाइड्रोजन बॉम्ब को लाद कर पूरे अमेरिका के ऊपर उड़ाएं। और कमाल की बात ये है कि इस आइडिया को अमेरिकी राष्ट्रपति ने मंजूरी भी दे दी। उस अकल के घन चक्कर ने जरा भी नहीं सोचा कि अगर कोई दुर्घटना हो जाए, बॉम्ब अपने ही देश पर गिर जाए तो क्या होगा। पर भाई साहब रशिया का डर ऐसा था जिसने उनकी बुद्धि पर ग्रहण लगा रखा था। बस उन्हें तो एक इंश्योरेंस चाहिए था कि अगर रशिया ने हमारे ऊपर बम गिराया तो हम भी रशिया के ऊपर किसी न किसी तरीके से बम तो फेंक ही देंगे, बस इस चीज की गारंटी मिल जाए किसी तरह से। और इसीलिए हाँ जी, और इसीलिए 8 साल तक लगातार अमेरिकी वायु सेना ने हाइड्रोजन बॉम्ब को B-52 बॉम्बर में लाद कर अमेरिका के ऊपर उड़ाया। और ये बेबुद्धि का काम सिर्फ एक दो प्लेन से किया जाता तो भी समझ आ जाता, भाई साहब इस काम के लिए 7-8 प्लेन का इस्तेमाल किया गया, यानी अगर कुछ गड़बड़ हो जाती तो पूरा का पूरा अमेरिका ही नक्शे से गायब हो जाता। यहाँ एक कहावत बिल्कुल फिट बैठती है, वो क्या डरेंगे मंजर से जो खुजाते हैं खंजर से। मतलब क्या सोच के ये काम किया था। अब समय था रात के 12 बजे का और तारीख थी 23 जनवरी 1961 की। एक B-2 बॉम्बर मजे में उड़ रहा था और उसकी रिफ्यूलिंग के लिए एक टैंकर विमान, हाँ जी ऐसे विमान जो एविएशन फ्यूल को लेकर हवा में उड़ान भरते हुए दूसरे विमान को रिफ्यूल करते हैं, उन्हें टैंकर विमान कहा जाता है। तो जी एक टैंकर विमान B-2 बॉम्बर में फ्यूल भरने के लिए वहाँ पहुँच जाता है। अब देखिए हवा में फ्यूल भरना बहुत ही रिस्की प्रोसेस है, लेकिन भाई साहब ये पायलट इस काम में प्रो थे तो फटाफट सब अपने काम में लग जाते हैं। लेकिन तभी टैंकर विमान का पायलट ये देखता है कि B-2 बॉम्बर प्लेन के एक पंख में से यानी विंग में से तेल लीक कर रहा है और बहुत तेज रफ्तार से लीक कर रहा है। और ये कोई मामूली चीज नहीं है क्योंकि एविएशन फ्यूल इतनी जबरदस्त तरीके से आग पकड़ता है, मतलब जरा सी भी गर्मी मिल जाए तो हवाई जहाज का फटना बिल्कुल तय है। अब भाई साहब टैंकर वाले पायलट ने फटाफट पाइप खींचा और अपने हवाई जहाज को लेके वो तो निकल लिया और उसने बॉम्बर वाले पायलट को बताया, देख भैया बात ऐसी है तेरे पंख में से तेल रिस रहा है और बहुत तेज रफ्तार से रिसने लग रहा है, तो अगर तू अपने आप को किसी तरह से बचा सकता है तो बचा ले भाई, क्योंकि मेरे हाथ में तो कुछ भी ना है और नीचे तू उतर नहीं सकता और हवा में उड़ना खतरे से खाली नहीं है, तो जो तू कर सकता है वो कर ले। अब ये खबर सुनते ही B-2 बॉम्बर के पायलट के तो होश ही उड़ गए क्योंकि ये बात बिल्कुल सही थी कि ये जहाज जमीन पर नहीं उतर सकता था। और ये क्यों नहीं उतर सकता जरा उसका कारण भी जान लो। देखो ऐसा होता है जब एक हवाई जहाज उड़ता है तो उसका वजन उसके लैंडिंग वाले वजन से ज्यादा होता है, जिसका कारण है उसके अंदर भरी हुई तेल की मात्रा, क्योंकि कभी भी किसी हवाई जहाज का लैंडिंग और टेक ऑफ का वजन सेम नहीं होता, हमेशा लैंडिंग का वजन कम ही होगा। और इसीलिए अक्सर अगर किसी हवाई जहाज का लैंडिंग वजन सेफ लिमिट से ज्यादा होता है तो ऐसे में हवाई जहाज अपने तेल को हवा में लीक करना शुरू कर देते हैं ताकि वो सेफली जमीन पर उतर सके। लेकिन क्योंकि B-2 बॉम्बर ने अभी अभी तेल भरवाया था तो ये बात तो तय थी कि वो जमीन पर नहीं उतर सकता था, क्योंकि अगर गड़बड़ हो जाती तो ये जो दो हाइड्रोजन बॉम्ब ये लेकर बैठा था ये फट सकते थे। तो अब ऐसी स्थिति आ गई कि भैया ऊपर उड़े तो भी मरे और नीचे उतरे तो भी मरे और हम तो मरे ही मरे, साथ में करोड़ों की जनता को भी ले मरे। अब अगर ऐसी स्थिति में कोई इंसान आ जाए तो बताओ क्या करेगा। तो अब B-2 बॉम्बर के पायलट ने एक होल्डिंग पैटर्न लगाना शुरू करा, मतलब हवाई जहाज को इस तरह से उड़ाना शुरू करा कि वो ज्यादा से ज्यादा फ्यूल बर्न कर ले और उसने जमीन पर हजारों लीटर तेल हर सेकंड गिराना भी शुरू कर दिया। लेकिन हवाई जहाज में ऐसा नुकसान हो चुका था जिसकी भरपाई करना मुश्किल था। अब पायलट डिसाइड करता है कि वो जमीन की तरफ बढ़ेगा, लेकिन प्लेन की रफ्तार कम होने का नाम ही नहीं ले रही थी, प्लेन बहुत तेजी से जमीन की तरफ जा रहा था। और ये तो वो प्लेन था जो अपने पेट के अंदर दो हाइड्रोजन बॉम्ब लेकर बैठा था, वो भी नागासाकी पर गिराए गए फैट मैन से 200 गुना ज्यादा ताकतवर। लेकिन भैया पायलट के हाथ में कुछ भी नहीं था क्योंकि प्लेन अनकंट्रोल्ड तरीके से जमीन की तरफ बढ़ रहा था। अब एक एक करके B-2 बॉम्बर के टुकड़े होने शुरू हो जाते हैं और जब ये टूटता है तो इसमें से दोनों हाइड्रोजन बॉम्ब जमीन की तरफ बढ़ने लगते हैं। हाँ जी अब ये दोनों बॉम्ब प्लेन के अंदर नहीं थे बल्कि हवा में जमीन की तरफ बढ़ रहे थे। अब देखिए इनमें से एक बॉम्ब जो था उसका पैराशूट खुल जाता है तो वो आराम आराम से नीचे की तरफ बढ़ने लगता है, लेकिन जो दूसरा बॉम्ब था उसका
का पैराशूट नहीं खुलता, वो तो आसमान से गिरने वाले मिटियोर की रफ्तार से जमीन की तरफ बढ़ रहा था और जाकर जमीन से टकरा जाता है। अब मजे की बात ये है कि इन दोनों बॉम्ब में से एक भी नहीं फटा था। हाँ जी, अभी तक तो फटे नहीं है, लेकिन इन दोनों बॉम्ब में से सिर्फ एक ही ऐसा था जो फटने के सबसे नजदीक पहुँच गया था। क्या आप आइडिया लगा सकते हैं कि इन दोनों में से वो कौन सा बॉम्ब होगा? और अगर आप ये सोच रहे हैं कि जिस बॉम्ब का पैराशूट नहीं खुला था उसके फटने के चांस सबसे ज्यादा थे, तो आप बिल्कुल गलत हैं। देखिए, पहले तो ये समझिए कि बॉम्ब में पैराशूट लगाया क्यों जाता है। जब किसी बॉम्ब को ऊपर से गिराते हैं तो गिराने वाले एयरक्राफ्ट को इतना समय मिल जाए कि वो बॉम्ब की चपेट में ना आए, इसीलिए बॉम्ब के गिरने की रफ्तार को धीमा किया जाता है और ये धीमा करने का काम करता है पैराशूट। और दूसरा कारण ये है कि धीमी रफ्तार पर जमीन की तरफ बढ़ते हुए बॉम्ब के फटने की टाइमिंग को आसानी से कंट्रोल किया जा सकता है ताकि वो ज्यादा से ज्यादा नुकसान पहुंचा सके। अब देखिए, न्यूक्लियर और हाइड्रोजन बॉम्ब के फटने के सीक्वेंस में जो भी स्टेप्स लिए जाते हैं उनमें से सबसे पहला स्टेप बॉम्ब के पैराशूट का खुलना ही है, तो एक बॉम्ब का तो पहला स्टेप पूरा हो चुका था। अब आता है ये सवाल कि ये सारी चीजें मुझे कैसे पता। तो देखिए, 2013 में अमेरिकी सरकार के द्वारा डीक्लासिफाई करे गए सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स में ये बताया गया कि इन दोनों बॉम्ब में से एक बॉम्ब ऐसा था जिसको गलती या माल फंक्शन की वजह से अपने आप फटने से रोकने के लिए लगाए गए 4 सेफ्टी मेजर्स में से 3 सेफ्टी मेजर्स फेल हो गए थे। हाँ जी, सिर्फ एक स्विच बचा था, अगर वो ऑन हो जाता या वो फेल हो जाता तो भाई साहब सब खत्म। हाँ जी, सब कुछ खत्म हो जाता। अब इस B2 बॉम्बर को उड़ाने वाले पायलट सहित 8 क्रू मेंबर्स में से 4 क्रू मेंबर इजेक्ट कर जाते हैं, लेकिन बेचारे 4 फंस जाते हैं जिनमें से 3 की मौत हो जाती है, लेकिन एक ऐसा मेंबर था जो बिना इजेक्टर सीट के, हाँ जी बिना इजेक्टर सीट के, एयरप्लेन के टॉप हैच को खोलकर प्लेन से कूद जाता है, मतलब पैराशूट लेकर कूदता है। लेकिन ये बहुत बड़ी बात है क्योंकि ऐसा करने पर भी बचने की कोई संभावना नहीं है। एक मिलिट्री प्लेन से बचने का सबसे सेफ तरीका उसकी इजेक्टर सीट ही है, लेकिन अगर वो माल फंक्शन कर जाए तो पायलट का बचना लगभग नामुमकिन है। अब जो बॉम्ब पैराशूट की सहायता से जमीन पर जाके गिरा था वो एक ही टुकड़े में था, तो कई हफ्तों बाद, हाँ जी, किसी की हिम्मत ही ना हो उस बॉम्ब के आसपास जाने की, पूरे एरिया को खाली करा लिया गया। और उसके भी कई हफ्तों बाद अमेरिकी सेना पूरी दुनिया में सबसे जटिल तकनीक का इस्तेमाल करके उस हाइड्रोजन बॉम्ब को बड़ी सावधानी से एक ट्रक पर लोड करके ले जाती है। और वो तकनीक क्या थी? कुछ नहीं, क्रेन लगाओ, चेन बांधो, ऊपर उठाओ और ले जाओ। मजाक नहीं, सच में ऐसा ही किया था, क्योंकि किसी को पता ही नहीं था कि ऐसी सिचुएशन के साथ डील कैसे करें, तो उन्होंने क्रेन से उठाया, गाड़ी में लोड करा और लेकर चल दिए। अब जो दूसरा बॉम्ब था, क्योंकि वो बिना पैराशूट के गिरा था तो उसके टुकड़े हो जाते हैं जो कि जमीन में 6 मीटर नीचे तक चले जाते हैं। अब देखिए, हाइड्रोजन बॉम्ब में 2 कोर का इस्तेमाल किया जाता है ताकि ज्यादा से ज्यादा तबाही हो सके, तो इसमें से एक कोर को तो रिकवर कर लिया जाता है, लेकिन बहुत गहराई तक खोदने के बाद भी दूसरी कोर आज तक नहीं मिली, तो अमेरिकी सेना उस पूरे गड्ढे को भरकर जमीन को बिल्कुल लेवल करके आम जनता के सामने ऐसे जाती है, नहीं, कुछ नहीं है, यहाँ कुछ भी नहीं हुआ, हमने निकाल लिया जो इसके नीचे था, कोई टेंशन की बात नहीं है, आप लोग मौज करो। और मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, सच में ऐसा ही हुआ था। यहाँ तक कि अमेरिकी गवर्नमेंट ने भी उस समय के पेपर में बड़े बड़े इश्तिहार दिए थे कि अब सब कुछ ठीक है, सब कुछ कंट्रोल में है, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है रे बाबा। पर भाई साहब, वो आदमी टेंशन क्यों ना ले जिसकी तशरीफ के नीचे न्यूक्लियर कोर रखी है। इन्होंने तो कह दिया टेंशन मत लो, अगर वो फूट गई तो। हाँ, ये बात सही है कि उसे फोड़ने के लिए जबरदस्त तापमान चाहिए, पर भाई साहब, किसी घटना को दुर्घटना में बदलते हुए ज्यादा समय थोड़ी लगता है। अगर हो गई कुछ गड़बड़ तो उसके बाद सवाल जवाब करने के लिए कौन बचेगा? उसके बाद अमेरिकी सेना ने उस जमीन को खरीद लिया, बल्कि उन्होंने इसे खरीदा और ऐसे ही छोड़ दिया। अब इसके चारों तरफ जितने भी खेत खलियान हैं, उसमें खेती होती है, लोगों ने अपने फार्म बना रखे हैं, और उन सारे खेतों के बीच में ये अकेला जमीन का टुकड़ा ऐसे ही पड़ा है। वाह रे अमेरिका वालों, मतलब कहीं भी चरस बो देते हो। तो जी, ये थी एक छोटी सी वीडियो आपको ये बताने के लिए कि अपने आप को दुनिया का ठेकेदार समझने वाला अमेरिका बहुत बड़े बड़े ऊट पटांग काम कर चुका है। तो ये था ऑपरेशन क्रोमडोम। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।